अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। 5 मल्ला 25x45 का एक घर है, इसकी लोकेशन सेक्टर ई बहरिया टाउन लाहौर है। इसकी डिमांड भी आगे जाके आप सच शेयर करूंगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं डायमेंशन शेयर नहीं करता। जिसका मेरे पास मैप होता है मैं उसकी डायमेंशन टाइटल में दे देता हूँ, और जिस घर का मैप नहीं होता उसकी मैं डायमेंशन नहीं देता। तो इस घर का मेरे पास मैप था, तो आप टाइटल में डायमेंशन देख लीजिएगा, मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा। ये इसका कार पोर्च है, 10x13 फिट इसकी डायमेंशन है। फ्रंट लॉन इसका 5 फिट का है, इसी तरह जो बैक स्पेस है वो 5 फिट की है। ये जो फ्रंट पे बाउंड्री लाइन है इसमें इंटीरियर किया गया, आर्टिफिशियल प्लांट्स और आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है विद द टाइल। आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल का कम्बिनेशन है ये वाला। ये फ्रंट लॉन है इसका 5 फिट 9 इंच का। कार पोर्च से ही ड्राइंग रूम और मेन एंट्रेंस है, तो मेन एंट्रेंस से हम अपना विजिट स्टार्ट करेंगे। ये हम आगे जी मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही टीवी लाउंज में आ गए, और टीवी लाउंज से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सामने एलईडी पॉइंट है, और टीवी लाउंज की जो डायमेंशन है वो 20x10 फिट है। फुल साथ है। ये हम बेडरूम में आ गए, वार्डरोब देख सकते हैं आप, 14x10 फिट 7 इंच इसकी डायमेंशंस। विंडो इसकी जो है, जिसकी वेंटिलेशन बैक ओपन स्पेस से होती है, क्योंकि ये बैक साइड पे है, तो इसकी वेंटिलेशन जो बैक ओपन स्पेस है उससे हमने की है। वाइट टाइल है इसमें, करारा वाइट टाइल। और ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन। इसके साथ अटैच वॉशरूम, वैनिटी सामने, 5x8 इसकी डायमेंशंस। वॉल पे आप टाइल देख सकते हैं, कमोड, फ्लोरिंग, शॉवर, और ये इसका सीलिंग डिजाइन। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर्स से। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए स्टेयर से, तो फर्स्ट फ्लोर पे आते ही टीवी लाउंज आता है, जिसकी डायमेंशन है 14x4x10x3 इंच। सामने एलईडी पॉइंट है, तो ये एक बैक पे बेडरूम है, एक फ्रंट पे बेडरूम है। फ्रंट पे जो बेडरूम है उसके बिल्कुल साथ ये टेरेस है, विंडो जो है वो ओपन टेरेस की है, जो फ्रंट एलिवेशन से जब आप देख रहे थे तो आपको नज़र भी आ रहा था। और ये बैक वाले बेडरूम के साथ किचन है,
दूसरे एंगल से भी मैं दिखा दूंगा ताकि प्लान और थोड़ा क्लियर हो जाए। ये स्टेयर्स आप देख सकते हैं, फिर ऊपर जा रही हैं सर्वेंट रूम की तरफ, और स्टेयर के बिल्कुल साथ किचन है। किचन कैबिनेट्स देखते हैं, 5 फीट 3 बाय 9 फीट इसकी डायमेंशंस। इसमें जो किचन स्लैब दी गई है वो ब्लैक कलर में दी गई है, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर में किचन था उसकी जो स्लैब थी वो वाइट कलर में थी। इसका सीलिंग डिज़ाइन, इसके बाद जो दो बेडरूम है उनको वन बाय वन देख लेते हैं। ये बैक वाले बेडरूम में आ गए, यहीं आपका बेड आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 7 इंच इसकी डायमेंशंस हैं। विंडो जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए है वो भी बैक है, बैक पे है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फुल व्यू सीलिंग डिज़ाइन का दिखा देता हूँ आपको। और इसके साथ अटैच वॉशरूम, ये वैनिटी 5 फीट 3 इंच बाय 6 फीट 3 इंच इसकी डायमेंशंस। कमोड, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, वॉल पे टाइल देख सकते हैं, शॉवर। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, इसके बाद हम लास्ट वन बेडरूम में चलते हैं जो कि फ्रंट पे है, फ्रंट वाले टेरेस के साथ। टेरेस बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं टेरेस नहीं दिखाता, मैं टेरेस ना दिखाने की रीज़न ये होती है कि फ्रंट एलिवेशन से टेरेस नज़र आ रहा होता है, तो इस वजह से मैं टेरेस नहीं दिखाता। बट अगर आपको फिर भी टेरेस को देखना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 12 फीट 9 इंच बाय 10 फीट इसकी डायमेंशंस इस बेडरूम की। ये सीलिंग डिज़ाइन, यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, वार्डरोब, और ये वॉशरूम इसका, वैनिटी 5 फीट 3 बाय 9 फीट इसकी डायमेंशंस। टाइल दे सकते हैं वॉल पे आप, शॉवर। ये इसकी फ्लोरिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।